हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ। ये है प्लम के न्यूली लॉन्च बॉडी लोशन सनस्क्रीन। ठीक है, तो ये है प्लम के बॉडी लविंग जो रेंज है उसका ही सनस्क्रीन है। सनस्क्रीन मतलब ये बॉडी सनस्क्रीन है। तो ये है SPF 44, ये SPF 50 नहीं है, SPF 30 नहीं है, SPF 44 है। ठीक है, तो पहले चलो इसका पैकेजिंग देख लेती हूँ। इसका पैकेजिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि आप देख सकते हो कितना प्रिटी है। मतलब ये जब वैनिटी पे रहता है ना तो बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करता है। मैंने आज तक कोई भी सनस्क्रीन की पैकेजिंग इतनी सुंदर नहीं देखी है। यहाँ पे ये सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कैसे यूज करना है, क्या क्या इंग्रेडिएंट लिस्ट है। एंड इस पे मतलब इसमें 150 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। एंड ये बहुत ही अच्छा है, ऐसे ग्रुप में आता है क्योंकि ठीक ठाक है। तो मुझे ना एक बॉडी सनस्क्रीन चाहिए था, पर जो सारे जो बॉडी सनस्क्रीन होते हैं ना वो ना बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं, चिपचिपे होते हैं, मतलब जैसे बॉडी लोशन होते हैं वैसे ही होते हैं। तो फिर मैं सर्च कर रही थी तब मुझे ना ये दिखा, एंड फिर मैंने सोचा कि चलो ट्राई करके देखते हैं। और ये कंपनी ने क्या क्या क्लेम किया है मैं आपको वो सब कुछ दिखाऊंगी, तो वो ही देख के मैंने इसको परचेस किया था। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कंपनी ने क्या क्या क्लेम किया है। तो आप देख सकते हो कंपनी ने क्लेम किया है कि ये अल्ट्रा हाइड्रेटिंग है, क्विक एब्जॉर्बिंग फार्मूला है, नॉन ग्रीसी है, एंड हैज़ अ कूलिंग इफेक्ट, एंड जीरो वाइट कस्ट है। तो ये जो कूलिंग इफेक्ट देखी ना मैंने, तो ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि तो समर के लिए तो ये परफेक्ट है। क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला ना कि और भी जो मैंने सनस्क्रीन जो होते वो सारे ऑयली होते, और ये सब कुछ देख के मुझे इसको परचेस करने का मन किया। तो मैंने इसको अमेजोन से ही परचेस किया था। ठीक है, इसका प्राइस है 486, आप देख सकते हो। एंड अभी देखो कंपनी बोल रहा है कि जो 50 होते हैं वो मतलब सुनने में बहुत बोरिंग हो गया है ना, इसीलिए 44 उन्होंने इन्वेंट किया है। एंड SPF 44 कितना परसेंटेज UVB प्रोटेक्शन देते हैं आप देख सकते हो कि 50 में देता है 98% एंड 44 में देता है 97.5% के अंदर। ठीक है, तो ये 50 एंड 44 ऑलमोस्ट सेम है, ये कंपनी ने क्लेम किया है। एंड ये PA++ है। एंड इसको कैसे यूज़ करना है, जैसे हम नॉर्मल यूज़ करते हैं वैसे ही सनस्क्रीन को यूज़ करना है। तो ये उनका पूरा रेंज है। एंड ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं, ये मैंने खुद के पैसों से परचेज किया है। एंड ये मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है मैं वही आप लोगों के साथ इसको शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो चलो इसका कंसिस्टेंसी देख लेते हैं, फिर मैं आऊँगी कि मुझे ये सनस्क्रीन कैसी लगी। इसको यहाँ से ऐसे करके ओपन होता है, फिर ये इसकी कंसिस्टेंसी आप देखो ये कुछ इस टाइप का है। मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया, बट ये कोई भी वाइट कास्ट नहीं देता है। ठीक है, आप देख सकते हो कोई भी वाइट कास्ट नहीं दे रहा है ये। तो कंसिस्टेंसी तो ये बिल्कुल किसी भी क्रीम जैसा ही है, मतलब बिल्कुल लोशन जैसा नहीं है, लिक्विड ही नहीं है, नॉर्मल जो कंसिस्टेंसी होता है क्रीम का वैसा ही है। एंड जो कूलिंग इफेक्ट की बात उन्होंने की है ना, वो थोड़ा सा हल्का सा कूलिंग इफेक्ट देता है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देता है। बट ये ना और जो बहुत सारे सनस्क्रीन लोशन आते हैं जो चिपचिपा होते हैं ये वैसा भी नहीं है, मतलब क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब मुझे उन्होंने जो जो क्लेम किया है अभी तक वो मुझे सही लगा। और इससे टैन होता है कि नहीं होता है ये मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने जब से इसको यूज़ कर रही हूँ तब से मैं बाहर नहीं गई हूँ, तो टैनिंग का मुझे नहीं पता, पर यूवी प्रोटेक्शन तो दे रहा है मुझे लग रहा है। ठीक है, इसकी कंसिस्टेंसी, इसके फीलिंग्स, जिसके लिए मैंने इसको लिया था कि चिपचिपा होता है समर में, मतलब लोशन लगाने की मन नहीं करता, पर इससे ऐसा कुछ नहीं फील होता। बट हाँ, ये थोड़ा सा कॉस्टली है क्योंकि
बॉडी लोशन के हिसाब से 150 ग्राम मेरे लिए बहुत ही कम है, क्योंकि मैं हाथ पे मेरे लेग्स पे भी अप्लाई करती हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। यानी ये 400+ प्राइस का है तो थोड़ा सा कॉस्टली है। बाकी के जो सनस्क्रीन लोशन आते हैं वो थोड़ा सा अफोर्डेबल हो जाता है। एंड इसका जो स्मेल है, ये प्लम बॉडी लविंग कलेक्शन के जो ये हवाईयन रूम्बा का जो स्मेल होता है ना, अपने अगर इसका शावर जेल या फिर कुछ और यूज़ किया हुआ है, बिल्कुल डिटो सेम स्मेल है। एंड इसको लगाने के बाद मतलब ये स्मेल रह जाता है, जो कि मुझे पसंद आती है। ये स्मेल मुझे अच्छी लगती है। एंड ये प्रोडक्ट 100% वीगन है। एंड आप देख सकते हो इसमें क्या क्या नहीं है। पैराबेंस नहीं है, नेस्टीज जो कि मतलब अच्छे नहीं होते हमारे स्किन के लिए, वो सब कुछ नहीं है। बाकी मुझे ये नॉर्मल साइज सनस्क्रीन लगा है, बट मुझे इसका स्मेल बहुत पसंद आया। इसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। एंड 44 SPF उन्होंने मतलब वो अगर बोल रहे कि ये 97% UVB प्रोटेक्शन दे रहा है तो मुझे ठीक ठाक ही लगा है। एंड ये वाइट कास्ट भी नहीं दे रहा है, तो इसीलिए ये सनस्क्रीन मुझे पसंद आया है। तो आप इसको परचेज कर सकते हो, एक बार ट्राई करके देख सकते हो। एंड इससे मुझे कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ है अभी। ये मैं मेरे स्किन के हिसाब से बोल रही हूँ आपको, पर आप एक बार ज़रूर ज़रूर पैच टेस्ट करके फिर ही इसको यूज़ करना, क्योंकि हम सबके स्किन अलग होती है इसीलिए, ठीक है। एंड मैं तो कोई डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, इसीलिए मैं ये डिस्क्लेमर पहले से ही दे रही हूँ आपको। एंड मुझे ये सनस्क्रीन लोशन बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको अगर लेना है तो आप ले सकते हो। तो ये था मेरा ये छोटा सा इसका रिव्यू। आपको अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। PS, आई लव यू।